ये देखो यहाँ पे कलश स्थापना जो हुआ था उसका कलश रखा हुआ है बहुत सारा। सौरभ जी खाया तो खाया, घर भी लेके जा रहा है, वो भी दो दो प्लेट लिए हुए हैं। आप ध्यान से देखिए इस शख्स को। फ्रेंड्स यही वो मंदिर है जिसका प्राण प्रतिष्ठा यहाँ पे माँ भगवती मंदिर से इसका नाम है और इसका प्राण प्रतिष्ठा हुआ है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन माय चैनल। सो अभी हम लोग पहुंचे हैं गया के मानपुर में, नौरंगा एक जगह है जहाँ पे माँ भगवती प्राण प्रतिष्ठा हेतु यहाँ पे यज्ञ हो रहा है। सो आज यज्ञ का अंतिम दिन था और अंतिम दिन हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं एक्सप्लोर करने इस जगह को। हालांकि थोड़ा लेट हो गए हैं, हमें पहले ही आना चाहिए। स्थान नौरंगा नया देवी स्थान है इस जगह का नाम और 5 तारीख से 11 तारीख तक यहाँ पे यज्ञ होना था और उसकी व्यवस्था आप सामने देख सकते हो ये पीछे पूरा। ये देखो फ्रेंड्स अभी हम लोग इसी के अंदर जाने वाले हैं। ये गया मानपुर, आप रोड देख रहे हो जो आगे सीताकुंड को जाता है, इधर मुफस्सिल थाना से ये रोड आ रही है और इसी में ये रास्ता कट जाता है नौरंगा के लिए जहाँ पे माँ भगवती प्राण प्रतिष्ठा हेतु यज्ञ चल रहा है। तो चलते हैं अभी हम लोग वहाँ पे। यहाँ पे माँ भगवती प्राण प्रतिष्ठा और आज शायद आखिरी दिन है यहाँ पे, जैसा कि आप देख रहे हो सामने लिखा भी है दिनांक 5/2 से ये शुरू हुआ था, 11/2 तक चल रहा है। मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ। सो आज यहाँ पे हवन भी हो रहा है और भंडारा भी है। यहाँ पे तो एकदम बिल्कुल मेला टाइप लगा हुआ है, मतलब मुझे यहाँ के बारे में नॉलेज पता था कि यहाँ पे ऐसा कुछ हो रहा है, बट हाँ इतना मतलब मेला टाइप लगेगा ये नहीं पता था। ये मंदिर और इसी के पास में ये वेदी यज्ञशाला और यहाँ पे हवन हो रहा है, लोग श्रद्धालु हवन कर रहे हैं। ये देखो यहाँ पे कलश स्थापना जो हुआ था उसका कलश रखा हुआ है बहुत सारा। सारे श्रद्धालु जो हैं अपना अपना कलश यहाँ पे ऐसे रखे हुए हैं और ये वेदी यज्ञशाला है जहाँ पे लोग अभी भी हवन कर रहे हैं। ये देखो फ्रेंड्स यही वो मंदिर है जिसका प्राण प्रतिष्ठा यहाँ पे माँ भगवती मंदिर से जिसका नाम है और इसका प्राण प्रतिष्ठा हुआ और बीते 5-6 दिनों से यहाँ पे यज्ञ चल रहा था। ये आप पीछे मंदिर देख सकते हो, काफ़ी खूबसूरत सा मंदिर है ये और आज इसका अंतिम दिन यानी कि समापन है आज। ये देखो इतना बड़ा सा हवन कुंड जहाँ पे श्रद्धालु अभी हवन किए हैं और ये सामने मंदिर, काफ़ी अच्छी व्यवस्था थी यहाँ पे। ये देख सकते हो फ्रेंड्स आप लोग यहाँ पे, और आज रात में यहाँ पे जागरण भी होना है जिसके लिए स्टेज यहाँ पे आप लोग जैसे तैयारी कर रहे हैं और जैसा कि यहाँ पे लोगों से मालूम हो रहा है कि निशा उपाध्याय भोजपुरी गायिका हैं वो यहाँ पे आ रही हैं आज जागरण करने के लिए, निशा उपाध्याय। तो अगर आप लोग इन्जॉय करना चाहते हो इस प्रोग्राम को, इस जागरण को, तो आप यहाँ पर आ सकते हो। आज इस जगह को एक्सप्लोर करने के लिए हमारे साथ सौरभ थे। तुम्हें नहीं लगता सौरभ हम लोग थोड़ा लेट हो गए? हम लोग को स्टार्टिंग में आना चाहिए जब इस यज्ञ का प्रारंभ हुआ था। हाँ शाम में प्रोग्राम है यहाँ पे, एक भोजपुरी गायिका है निशा उपाध्याय, जैसा कि लोगों से पता चला है वो आने वाली है इसी जगह पे और आज रात में उनका जागरण भी है और अभी भंडारा भी यहाँ पे चल रहा है। मुझे पता है वीडियो अपलोड होते होते थोड़ा टाइम लग जाएगा, तो जो लोग भी आप लोग पहले से जान रहे होंगे बिल्कुल आए होंगे यहाँ पे और अच्छी जगह है और माँ भगवती का प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है, तो भाई ये भी बहुत अच्छी बात है, अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके और एक मेला की तरह यहाँ पे लग रहा है, आयोजन बहुत ही ज़्यादा शानदार है। और भी हम लोग घूमते हैं और यहाँ पे और जो कुछ भी हो रहा है उसके बारे में जानकारी लेते हैं और आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। बने रहो आप लोग हमारे साथ। देखो ये बड़ा बड़ा झुलवा भी लगा है और ये सब कुछ शाम में शुरू होता है।
यही मंदिर बना है बाबा। कौन सा मंदिर है बाबा? ये माता जी का मंदिर है, माँ भगवती का। 5 तारीख से यहाँ यज्ञ हो रहा था। हाँ, ये यज्ञ 5 तारीख से शुरू है। हाँ, आज इसकी पूरा होती है, समापन है। आज यज्ञ खत्म हो गया। ये देख सकते हो फ्रेंड्स, यहाँ पे इस मंदिर की स्थापना, आप कह सकते हो प्राण प्रतिष्ठा, ये हो रहा था अभी, और आज इसका अंतिम दिन था। अरे ये क्या हो रहा है भैया, ये तो सांप निकल रहा है। ये देखो दोस्तों, बड़ा स्टाइल का खिलौना है ये, सीधे एक बार में एकदम 5 फीट लंबा ये खिलौना बन जा रहा है। अरे 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 अरे, ये कुआं का भी नया निर्माण हुआ है क्या भैया? दोस्तों यहाँ पे भंडारा हो रहा है, और पत्तल किधर से लेना है भाई? यहीं यहीं है, यहाँ है। प्रसाद लेकर के भक्ते रहे, प्रसाद लेके भक्ते रहे, रुके रहे, प्रसाद लेकर के आगे भक्ते रहे। फ्रेंड्स अभी हम लोग यहाँ पे माँ भगवती प्राण प्रतिष्ठा में आए, और ये हम लोग का सौभाग्य था कि यहाँ पे प्रसाद ग्रहण करने का मौका मिला। और ये आप देख सकते हो हमारे हाथों में प्रसाद, तो अभी हम इस प्रसाद को यहाँ पे ग्रहण कर लेते हैं, उसके बाद मिलते हैं आप सभी से। आइए हाथों में। ये देखिए सौरभ जी, खाया तो खाया, घर भी लेके जा रहा है, वो भी दो दो प्लेट लिए हुए हैं। ये आप ध्यान से देखिए इस शख्स को, कैसा लगा वो प्रसाद? मजा आया खाकर? और मैं भी कैसा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, कैसा लगा प्रसाद? प्रसाद तो अच्छा ही लगेगा, क्वेश्चन ही रॉन्ग था मेरा। सो फ्रेंड्स फाइनली हम जहाँ पे यज्ञ हो रहा था नौरंगा में, वहाँ से बाहर निकल गए, और अभी हम आ गए मानपुर पुल पे, जैसा कि आप देख रहे हो फल्गु नदी। सो अच्छा लगा दोस्तों वहाँ तक जाकर, और अगर मुझे पहले से पता होता तो मैं पहले ही जाता वहाँ पे और आप लोगों के साथ शेयर करता। तो ठीक है, इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक और नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।